द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जहां एक तरफ बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग नवंबर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है और पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से कोरोना के चलते चुनाव को टाल देने का सुझाव भी आया है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग चुनाव को स्थगित कर सकता है? और अगर चुनाव पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो सरकार का अगला कदम क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा केवाईसी के इस एपिसोड में। संविधान के आर्टिकल 324 के मुताबिक चुनाव आयोग संसद और विधानमंडल चुनावों की निगरानी, चुनाव से जुड़े दिशानिर्देश और चुनाव के नियंत्रण का काम करता है, मतलब चुनाव की पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ये राय रही है कि संविधान का ये नियम चुनाव आयोग को किसी भी अनपेक्षित यानी कि सरप्राइज कर देने वाली परिस्थिति को संभालने की गुंजाइश देता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके लिए चुनाव आयोग मौजूदा स्थिति को आंकने और जांचने परखने के बाद ये तय कर सकता है कि निष्पक्ष चुनाव का आयोजन हो सकता है कि नहीं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बात है साल 2002 की, जब गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा से पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का भारी दबाव था, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद इसकी जगह जुलाई 2002 में गुजरात विधानसभा को उसके टर्म खत्म होने से पहले डिसॉल्व यानी कि विघटित कर दिया गया। पर विधानसभा की आखिरी बैठक 3 अप्रैल 2002 को हुई थी और संविधान के आर्टिकल 174 के मुताबिक विधानसभा की दो बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब दुविधा ये थी कि क्या चुनाव आयोग 2 अक्टूबर से पहले चुनाव आयोजित कर पाएगा। उस समय आर्टिकल 324 का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इतना जल्दी चुनाव आयोजित करने से मना कर दिया। आयोग ने कहा था कि चुनाव करने या ना करने का अंतिम फैसला उसके हाथ में है। गुजरात विधानसभा का चुनाव फिर अक्टूबर में ना होकर दिसंबर में आयोजित हुआ। यहाँ हमें एक और कानून के बारे में बात करनी होगी। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 153 के मुताबिक चुनाव आयोग किसी भी चुनाव को खत्म करने का जो समय है उसे बढ़ा सकता है। एक्चुअली मार्च के महीने में चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 और सेक्शन 153 का हवाला देकर ही राज्यसभा की 18 सीटों का चुनाव को कोरोना के चलते टाल दिया था। लेकिन चुनाव आयोग कब तक चुनाव टाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जहां तक संभव हो विधानसभा डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। बिहार में ये 6 महीने का समय 29 नवंबर को शुरू होगा। अगर चुनाव आयोग बिहार में चुनाव को टाल देता है तो इसके आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तय करेंगे। वो या तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। द प्रिंट के लिए अपूर्वा मंधानी। हमारे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए द प्रिंट को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।